नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा था कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया है। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एक अब्दुल नजीर, B.R. गवई, A.S. बोपन्ना, B. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस B.B. नागरत्न शामिल थे। इनमें से जस्टिस B.B. नागरत्न ने बाकी 4 जजों की राय को अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इससे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिखा गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा, नोटबंदी से पहले सरकार RBI के बीच बातचीत हुई थी, इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस B.V. नागरत्न ने इसके लिए अपनाई गई प्रोसेस को गलत ठहराया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।